तो सबसे पहला था हथियार की कमी थी, मतलब आपका है क्या कि भारत में क्या था, हथियार की कमी थी, पहला असफलता का कारण था। दूसरा था संगठन का अभाव था, मतलब लोगों में एकमत नहीं था, ठीक है ना, उसमें अभाव था। फिर एक नेतृत्व की कमी थी, मतलब लोग जो है लड़ने की नेतृत्व की भी क्या था, कमी था, लोग जो है सामने जो है मेन लोग आते नहीं थे। फिर राजपूत और सिंधिया ने अंग्रेजों का क्या किया, साथ दिया, ठीक है, राजपूत और जो सिंधिया फैमिली थी वो क्या दिया जी, अंग्रेजों का साथ दिया। फिर जो शिक्षित लोग थे वो तटस्थ थे, मतलब न्यूट्रल थे, मतलब उन्होंने भाग ही नहीं लिया, जो भी शिक्षित लोग थे ना जी वो क्या होता है, अठारह क्रांति में भाग नहीं लिया। फिर बहादुर शाह की जो वाइफ थी जिन्नत महल, कौन थी, जिन्नत महल, वह गोपनीय सूचनाओं को अंग्रेजों को देती थी और अंग्रेजा जी दे देती। और इस तरह हिमालय के मकबरा के पास जो है बहादुर शाह जो है पकड़ा जाता है और रंगून से भेज दिया जाता है, जिससे 1862 में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब है क्या, विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ के लिए लोग लड़ रहे थे, और यह भी जो है असफलता का कारण है। जैसे बेगम हजरत महल जो है अवध छीन गया था, इसलिए अवध को पाने के लिए फिर से वो लड़ रही थी, और जो नाना साहब थे उनका पेंशन जो है रुक गया था, तो पेंशन को फिर से पाने के लिए वो लड़ रहे थे। और जो झांसी की रानी थी वो उनका है क्या जो पुत्र था, मतलब गोद लिया हुआ दनत पुत्र, उनको राजा नहीं बनाया गया, इसलिए वो लड़ रही थी। फिर आपका है क्या, कुंवर सिंह जो थे एक जमींदार थे और इनकी जमींदारी छीन गई थी और फिर से जमींदार को जाने थे, इसके लिए वो क्या जैसे में लड़ रहे थे, देश के लिए कोई मतलब है क्या बहुत कम लड़ रहे थे। फिर इलाहाबाद में आपका है क्या कि अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र बनाया, तो 1857 के विद्रोह में पूछा जाएगा कि आपातकालीन केंद्र किसको बनाया गया था, तो इलाहाबाद को बनाया गया था, ठीक है। और विद्रोह जो है समाप्त, सुनिए, विद्रोह के समाप्ति पर अंग्रेजों ने क्या किया कि महारानी जो है, अंग्रेजों की महारानी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा, किसको भेजा जी, लॉर्ड कैनिंग को भेजा। और इस घोषणा पत्र के अनुसार क्या है, मतलब सुनिए, अब इस घोषणा पत्र को 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में सुनाया, कहाँ सुनाया जी, इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया, ठीक है। इसके बाद इस घोषणा पत्र के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, क्या कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और क्षेत्र में अंग्रेजों के महारानी को दे दिया गया, क्षेत्र किसको दे दिया गया जी, और जितना क्षेत्र भी था ना, मतलब कब्जा पहले से अंग्रेजों का, वो किसको दे दिया गया, अंग्रेजों के महारानी को, एलिजाबेथ बेगम थी शायद, एलिजाबेथ। अब है क्या, नया क्षेत्र पर कब्जा ये लोग कहा रहा था, इस घोषणा के अनुसार नया क्षेत्र पर हम कब्जा क्या करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये लोग करना कर रहे थे। और आपका 1857 के समय में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पाम, कौन थे जी, ऑस्ट्रेलिन, कौन थे, पाम ऑस्ट्रेलिन। और इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये बहुत ज्यादा पूछता है, 1857 क्रांति समय भारत का जनरल गवर्नर या गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और विद्रोह समाप्त करने में अब कहे क्या, विद्रोह समाप्त करने से पील आयोग सिफारिश से, पील आयोग क्या जी, विद्रोह समाप्त होने के बाद पील आयोग क्या जी, सिफारिश से सेना का पुनर्गठन किया गया, और इस सेना के पुनर्गठन में राजपूत और ब्राह्मण की संख्या क्या कर दी गई, कम कर दी गई, क्या कर दी गई जी, कम कर दी गई, और नेपाली और पठान की संख्या क्या कर दी गई, ज्यादा कर दी गई। इसके अलावा भी आप लोग कुछ याद कर लेंगे इम्पोर्टेंट डाटा। देखिए इसके बाद आपको याद रखना है कि 1857 क्रांति विभिन्न विद्वानों ने भी मत दिया कि 1857 क्रांति का जो है क्या है, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये बात जो कहा था डिजराइली ने कहा था, यह राष्ट्रीय विद्रोह है, ये बात किसने कहा, डिजराइली ने, और एक सैनिक विद्रोह था, ये किसने कहा, सीले और लॉरेंस ने, सीले और लॉरेंस ने। फिर यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये कौन कहा, बीडी सावरकर, ये बहुत ज्यादा पीबीआई है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 क्रांति को किसने कहा था, तो बीडी सावरकर ने। फिर यह हिंदी मुस्लिम षड्यंत्र था, ये किसने कहा, तो जेम्स आउट्रम ने। यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था, ये किसने कहा, रिज ने। फिर यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध है, ये किसने कहा, तो टी आर होम्स ने। यह न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये बात किसने कहा, तो आर सी मजूमदार ने, इसका भी इम्पोर्टेंट बात है। यह जन क्रांति था, ये किसने कहा, रामविलास शर्मा, कौन कहा, रामविलास शर्मा। इसके अलावा 1857 की क्रांति के विभिन्न लेखकों के द्वारा लिखा गया पुस्तक आया 1857 क्रांति में, किसका किसका, ये सुनिए,
1857 में सुरेंद्र नाथ सिंह मौलाना अबुल कलाम ये लोग लिखे। फिर आपका है महान विद्रोह, ये किसने लिखा? अशोक मेहता। 1857 का विद्रोह ये कौन लिखे? पीसी जोशी। ये आर के 1857 का विद्रोह जो है कौन लिखे? पीसी जोशी। फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन लिखे थे? बीडी सावरकर। प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह कौन लिखे थे? बीडी सावरकर। 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह ये कौन लिखे थे? आर सी मजदूर गांधी। इतनी बात आपको याद करके आने।